प्रदेश में निजी स्कूलों के बढ़ते मनमानी के मामले और शिकायतों की वजह से शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे अभिभावक जिले स्तर पर ही निजी स्कूलों की मनमानी से जुड़ी समस्याएं प्रकोष्ठ के सामने रख सकेंगे। दरअसल स्कूलों में बढ़ी फीस और मनमाने नियमों से परेशान होकर अभिभावक शिकायत करते रहते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। विभाग ने जल्द ही टोल फ्री नंबर भी जारी करने की बात कही है, जिससे अभिभावक अब सीधे अपनी शिकायत रख सकेंगे। सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सौरभ भाटिया, ये बताइए कि दरअसल अभिभावकों को इससे क्या कुछ फायदा होगा, किस तरीके की शिकायतें थी जो अभी तक नहीं रख पाते थे, इस प्रकोष्ठ के माध्यम से रख पाएंगे? देखिए, पहले सरकार ने जरूर एक नियम बनाया था जिसमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जो भी समस्या होती थी उसकी लिखित शिकायत देनी थी, जिसमें उनका नाम भी होता था। लेकिन टोल फ्री नंबर जारी होने के बाद जो संबंधित स्कूल का नाम व उससे होने वाली समस्याओं को जो है सीधा अभिभावक सरकार तक पहुंचा सकेंगे, इसकी खुद मॉनिटरिंग शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे करेंगे। उनके द्वारा सीधे तौर पर ये कहा जैसे कि फीस बढ़ोतरी को लेकर और इसके साथ ही जो हॉस्टल की फीस होती थी उसको मनमाने तरीके से वसूलना, इसके साथ ही जो बच्चों की ड्रेस और किताबें जो है स्कूल से दिए जाने जैसे नियम बनाए जाते हैं उससे अगर जो अभिभावकों को किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसकी सीधी शिकायत एक टोल फ्री नंबर पर कर सकेंगे, जिससे इसका समाधान भी होगा और उस संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकेगी। जी, और अभिभावकों का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिला? देखिए, अभिभावकों को पहले जो है जो शिकायत करनी होती थी उसमें जो उनका एक पूरा नाम, बच्चे का नाम और स्कूल का नाम भी जो है उसमें दिखाना पड़ता था, जिसके चलते जो है अभिभावकों को भय भी होता था कि अगर जो है इस तरीके की शिकायत को लिखित तौर पर देंगे तो कहीं बच्चे पर जो है कोई कार्रवाई ना हो, स्कूल की तरफ से बच्चे को प्रताड़ित ना किया जाए, तो अब वो चीजें सामने नहीं आएंगी। अब क्योंकि टोल फ्री नंबर होगा तो संबंधित स्कूल की जानकारी जो है और उससे होने वाली परेशानियां सीधे तौर पर कही जा सकेंगी, तो कहीं ना कहीं इससे अभिभावकों में भी खुशी है कि आखिरकार सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है जिससे इन स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसी जा सके। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ भाटिया।